हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मोनो एंटरटेनमेंट और मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ आईसर का जो पाम्प है, पाम्प इसे फिटिंग करते हैं। ये देखिए, ये पाम्प का तो पिनियन है। ये देखिए, ये नोजल का होल है। ये 3 सिलेंडर का इंजन है। घर में काम करने के लिए आया था। मेरा एक सब्सक्राइबर निकल गए थे, ये है मेरा सब्सक्राइबर, इसलिए आईसर का काम खोलने आया था। देखिए, ये जो पानी का जो लाइन है, पानी का लाइन नहीं, ये इंजन में पानी का सिस्टम ही नहीं है। ये जो पंखा है, पंखा से ही इंजन ठंडी होती है। आईसर का जो इंजन है, ये इंजन से क्या करती है, ये पहले देख लीजिए। देखिए, थोड़ा बाहर ले जा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। देखिए क्या क्या लगा रखे हैं। ये जो सामान है, इसे क्या करती है, ये आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। पंप लगा के स्टार्ट करके क्या करती है, ये भी दिखा दूंगा दूसरी वीडियो में। ये जो पंप है, ये पंप खोलने के टाइम में कोई टाइमिंग मिला के खोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप काम खोल दीजिए, अच्छी तरह से पिनियन को रख दीजिए। ये देखिए, ये पंप का लॉक का होल है। पाम के साथ भी एक लॉक है, लॉक मिला के लगा दीजिएगा, हो जाएगा। ये देखिए, ये जो सन लॉक है, ये लॉक ही वो पिनियन का जो होल है उसमें घुस जाएगा। पूरी अच्छी तरह से लगाना है। ग्रुप में लगा देना है अच्छी तरह से। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पाम तो भी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। देखिए, साइड में 4 बोल्ट है लगाना है। ये एक है तो इधर, एक है अंदर, 2 है, वो दोनों ही लगा दिया। और देखिए, नोजल भी लगा दिया है। अभी देखिए, पाम में जितना भी सामान थे, नोजल पाइप थे, ओवरफ्लो पाइप थे, सब लगा दिए है कम्प्लीट। अभी जस्ट स्टार्ट करना बाकी है, स्टार्ट करके ही दिखा दूंगा आप लोग को, आप लोग देखते रहिए। अभी देखो, इंजन स्टार्ट भी कर दिया है।